हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसएमआर में। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसमें जो है नोकिया का 105 फ़ोन है दोस्तों, नोकिया TA1010 या नोकिया TA1034 का फ़ोन है दोस्तों। इसमें यदि आपका माइक काम नहीं कर रहा है दोस्तों, आप नया माइक लगाते हैं फिर भी आपका वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में बताऊँगा कि इसकी सप्लाई कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आप दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप अपना सप्लाई चेक कर लीजिए माइक का, और उसके बाद एक जम्पर लगाइए और आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि माइक की सप्लाई की जो है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आपको दोस्तों इस प्रकार से अपना बोर्ड खोल लेना है, और यदि आप नया नया माइक लगा रहे हैं फिर भी आपका नहीं काम कर रहा है, तो आप इसकी सप्लाई जरूर चेक कर लीजिए कि आपके माइक का प्रिंट उखड़ गया है, तो आपके इसका जम्पर कहाँ से कहाँ तक लगा रहा है। यदि माइक निकालते समय यदि आपका मतलब पूरा सप्लाई ही उड़ गया है, तो आपको दोनों सप्लाई कहाँ पे जाती है इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। इस प्रकार से देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक निकालते समय आपका जो है प्रिंट उड़ जाता है, तो आपको कहाँ लगाना है जम्पर। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से यहाँ तक आपको जम्पर लगाना है, या बैटरी कनेक्टर के बगल में यहाँ से यहाँ तक आप जो है जम्पर लगाओगे। और यदि आपका यहाँ पे जम्पर लगाने के बाद भी मतलब आपका प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा है, तो और सोल्यूशन बताऊंगा दोस्तों। तो इस प्रकार से यदि आपका माइक का जो है प्रिंट उखड़ गया है, तो आप यहाँ पे जम्पर लगा दीजिए, आपका 100% काम करेगा। और यदि आपका फ़ोन वाटर डैमेज है, यहाँ तक कि सप्लाई नहीं आ रही है या इससे आगे सप्लाई नहीं आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। ये जो प्रिंट उखड़ जाता है यहाँ पे मतलब जम्पर, इस प्रकार से दोनों जम्पर लगा देंगे दोनों वायर का, तो आपका जो है माइक 100% काम करेगा दोस्तों। यदि आपका वाटर डैमेज है, यहाँ तक आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, तो आप दोस्तों यहाँ देखिए, इस जगह से आपको जम्पर लगाना है दोस्तों। यहाँ पे CPU IC के बगल में यहाँ पे दो काले काले रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको जम्पर लगा देना है। आप यहाँ पे दोनों सप्लाई का जम्पर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ बैटरी कनेक्टर के बाद भी मतलब यहाँ बगल में यहाँ से भी मतलब सप्लाई उखड़ गई है, तो यहाँ से उखड़ गई है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है जम्पर लगा के अपने जो है माइक का प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।